मैं भी भारत की टीम उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सविता और चंद्रशेखर की शादी में शामिल होने पेवारी गांव पहुंची। यहां पर हमारी टीम का अभिभूत कर देने वाला स्वागत हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं भी भारत में। आजकल हम छत्तीसगढ़ में हैं और आज पहुंचे हैं उत्तर बस्तर के अंतागढ़ ब्लॉक में और यहां पर हम आपको मिलवाएंगे गोंड आदिवासियों से। आज के एपिसोड में बात करेंगे उनकी भाषा की, लोकगीतों की, उनकी संस्कृति की, रीति रिवाजों की। मादरी या मांदरी नाच गोंड जनजाति का ऐसा लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हैं। मादरी नाच के दौरान संगीत के लिए कम से कम 18 तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मांदरी ढोल की थाप इस संगीत की जान होती है। इसके अलावा निशान ढोल, गोगा ढोल, ढोल परांग, तुर्की ढोल, धुबिर, तोतली और चितगुल जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मादरी के अलावा भी गोंड आदिवासियों के कई तरह के नृत्य हैं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा से जुड़े कुछ नृत्यों के अलावा ज्यादातर नाच गाना मौज मस्ती के लिए ही किया जाता है, जो गोंड आदिवासी संस्कृति की खास पहचान है। और गोंड ब्याह में शामिल होने पर हमें इस संस्कृति के एक बड़े हिस्से को बेहद करीब से देखने का मौका मिला। भाषाई आधार पर दक्षिण और मध्य भारत की द्रविड़ भाषा समूह के इन आदिवासियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 1.25 करोड़ से ज्यादा है। इस जनजाति को भील जनजाति के बाद देश की सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड राज्यों में बसे गोंड जनजाति में मजबूत गोत्र व्यवस्था मिलती है। गोंड आदिवासियों के 750 गोत्र बताए जाते हैं और यह व्यवस्था सम और विषम गोत्र में बंटी होती है। शादी ब्याह भी देवी देवताओं का भी बेटी बेटा होता है तो एक दूसरे से लेन देन होता है। वैसी भी हमारे सामाजिक व्यवस्था में संविधान से ही होता है, दो भाग में, इधर की इधर शादी नहीं करते हैं, दो ही भाग में करते हैं। आइए इस शादी की रस्मों, गीतों और लोगों के जरिए बस्तर के गोंड आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। इस शादी में कमर से खजूर टांगे एक आदमी सबसे ज्यादा व्यस्त नजर आता है। यह आदमी हर रस्म के मौके पर मौजूद होता है। इसके अलावा यह आदमी लगातार लड़की और लड़के के परिवार के संपर्क में रहता है। जो भी लगता है ना,
तो हमारा दमन धूप करना चाहिए। जो भी गायता पटेल को वहाँ डांट दबाव नहीं है कि हम चपरासी लोग, ये लगेगा कपड़ा लगेगा धोती लगेगा जो भी लगेगा वो हम आज शायद होता है पटेल परिवार में, ये भी पटेल वो भी पटेल हैं, हम गांव वाले लोग सहयोग देते हैं, हम उनको सहयोग के लिए। अब लड़की है लड़का है, गांव के बुढ़ी है बूढ़ा है, सब अपना सहयोग देना है उसको। अब दो चपरासी हैं, पहले सबसे फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पहले पहले फर्स्ट में, उसके बाद इन लोग दूसरे दिन आते हैं बारात। महालया दरअसल लड़की और लड़के के परिवार के बीच संपर्क और संवाद का काम करता है। यह आदमी बारात आने से एक या दो दिन पहले ही लड़की के घर पहुंच जाता है। महालया का मुख्य काम शादी की सभी रस्मों को समय से निपटवाना होता है। इनके कंधे पर मौजूद थैला ये पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं छोड़ते। इस थैले में शादी की अलग अलग रस्म की सामग्री में महुआ भी शामिल होती है, क्योंकि गोंड आदिवासी अपने देवी देवताओं और पूर्वजों को अन्य सामग्री के साथ शराब का भी तर्पण करते हैं। कोई मेहमान आते हैं ना, तो कोई नारियल पकड़ के आते हैं, अब कोई दारू पकड़ के आते हैं, उसको तरपते हैं। हमारा पूर्वज का देवी है अंदर में, कोई बहन आता है, कोई जीजा वीजा लोग पूरा आते हैं ना मेहमान लोग, तो नारियल कोई सुपारी कोई हर एक प्रकार के लगता है अंदर में। गिफ्ट लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, तो उसको वहाँ रख देते हैं, वहाँ उसमें से वही संभालता है। अच्छा। वो घर वाले लोग नहीं है। अच्छा, महालया ही संभालता है? नहीं, भंडारी। हाँ, भंडारी संभालता है। गोंड आदिवासी समाज व्यवस्था में सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्य बेहद गहरे हैं। मसलन जिस शादी में हम शामिल हैं, उस शादी में कामकाज को लेकर परिवार से ज्यादा समाज की जिम्मेदारी है। गांव के लोगों के बीच में काम का बंटवारा हो जाता है, लोग अपना अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। जैसे गांव के कुछ लोगों की जिम्मेदारी पानी लाना और खाना बनाना होता है, खाने में शादी के दिन कुछ खास ही बने यह जरूरी नहीं है, यह परिवार की हैसियत के हिसाब से ही तय किया जाता है। मसलन इस शादी में खाने में दाल चावल सब्जी और रागी है। इसके साथ ही शादी में ज्यादातर लोग रोजमर्रा के कपड़ों में ही नजर आते हैं, यानी कि इस शादी में दिखावे और आडंबर के लिए कोई जगह नहीं है। गाड़ी पे ना चढ़ दे, धीरे से उतर दे, बाराया न टप कर दे, बोलो टररररा, बोलो टररररा, बोलो टररररा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी ब्याह शादी में बेहिसाब मौज मस्ती करते हैं। गोंड आदिवासियों की शादी में ना तो फिजूल खर्ची होती है, ना दिखावा और ना ही खाने की बर्बादी। आपसी सहयोग और भाईचारे के मामले में यह समाज बेमिसाल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी शादियों में पर्यावरण को एक नए पैसे का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। गोंड आदिवासियों की सामाजिक और धार्मिक अवधारणाएं प्रकृति से मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आदिवासी देवी देवताओं, आत्माओं और प्रकृति की पूजा करते हैं। इस समाज में अलग अलग मौकों पर
अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। मसलन जंगल के देवता, पहाड़ के देवता, गांव के देवता या फिर कुल देवता। विवाह के मौके पर भी इन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस धार्मिक जिम्मेदारी को संभालने वाले आदमी को गायता कहा जाता है। गायता की देखरेख में ही मंडप तैयार होता है। शादी में क्या होता है, पहले अपन माता करा जा रहे हैं, पांच ऊपर यहाँ जोड़ के पांच पड़वाता है, उसका मुठ्ठा मंदर है वहाँ दरवाते हैं। तो कोई भी बच्चे लोग आते हैं, कोई सगे लोग आते हैं, परिवार लोग आते हैं, उसको हम समझ जा देते हैं कि किसको दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसको चिंता मत आ जाना है, कहीं ये जवाब देते हैं। हम लोग वहाँ दे रहे हैं अपना टकरी करा माता करा दे रहे हैं, तो फिर आके अपना काम कर रहे हैं। ठीक भाई, इधर भी और घर में भी कर रहे हैं अपना दादा पीपी को उसको समझा रहे हैं, देखो भाई सगासी लाते हैं उसको भी समझ जाओ, संभाल के अपना परिवार को रखा जाए हिसाब से, किसी को दोष ही नहीं होना है, किसी को रटका नहीं होना है, पटका नहीं होना, इसलिए हमारा काम यही रखते हैं। गौंड शादी की रस्में दो दिन तक चलती हैं। शादी की इन रस्मों में करसा भराई और करसा झुलाई महत्वपूर्ण रस्में होती हैं। करसा भराई की रस्म में दुल्हन और दूल्हा मिलकर एक मिट्टी के बर्तन को धान से भरते हैं। और इस मौके पर महिलाएं लोकगीत गाती हैं। मसलन इस गीत में दूल्हे से पूछा जा रहा है कि वो करसा भराई की रस्म के बदले में अपनी बहनों को क्या देगा। शाम ढलते ढलते शादी की मुख्य रस्में शुरू हो जाती हैं। गायता खजूर के पत्तों से बने मंडप पर पूजा शुरू करते हैं। यहीं पर देवताओं और पुरखों के लिए बलि चढ़ाई जाती है। इसके बाद गायता हाथ पकड़कर दूल्हे और दुल्हन के फेरे कराता है।
फेरे समाप्त होने के बाद इस खजूर के पत्तों से बने मंडप को हटा दिया जाता है। ये परिक्रमा जो होता है तो ये एंटी क्लॉक, अब मुझे ये पता नहीं क्लॉकवाइज जो करते हैं इसका क्या साइंटिफिक रीजन है, इसका मैं आज तक मैं नहीं खोज पाई हूँ, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज जो परिक्रमा होता है आदिवासियों का या गुणों का, तो गुणों का जो परिक्रमा है वो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए है जैसे पृथ्वी भी अपनी धुरी में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यानी सारे ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, चाहे शादी हो चाहे कोई भी कार्यक्रम या चाहे मृत्यु संस्कार हो, गायता करवाता है या फिर वो मामा के खानदान वाले करते हैं, यानी जो पंडित होते हैं वो जैसे मेरा मायका है, मेरे घर में कोई कार्यक्रम होगा तो मेरे मायके परिवार वाले आके करेंगे और उनके घर कार्यक्रम होगा तो हम लोग करेंगे। और उसके बाद दुल्हा और दुल्हन अपने सखा सहेलियों के साथ नाचते गाते हैं। शाम ढले करसा झुलाई की रस्म पूरी की जाती है। दोनों ही परिवारों की महिलाएं मिलकर करसा को झुलाते हुए मंडप में लाती हैं। इसके बाद करसा को मंडप में रख दिया जाता है। करसा झुलाई के बाद भी कई रस्में इस मंडप में देर शाम तक चलती रहती हैं। इसी मंडप में गायता अपने पुरखों और देवताओं की आराधना करता है। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन को स्नान के लिए लाया जाता है। परंपरा के अनुसार दुल्हन और दुल्हे को उनकी बहनें गोद में उठाकर या फिर पीठ पर लादकर स्नान के लिए लाते हैं। स्नान के बाद दोनों को उनकी बहनें दूल्हे के लिए बनाई गई कुटिया में ले जाते हैं और इस तरह से पहले दिन की रस्म
पूरी होती है। दूसरे दिन तेल उतारने की रस्म की जाती है। इस रस्म में ये आदिवासी एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और नाचते गाते हैं। उतारने के बाद लड़के और लड़की के परिवार की महिलाएं आमने सामने बैठती हैं। इस दौरान ये महिलाएं एक दूसरे को रंग बिरंगे रिबन बांधती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं गीतों के जरिए एक दूसरे से संवाद करती हैं। इन गीतों में हंसी मजाक किया जाता है। और शाम ढलते ढलते लड़की की विदाई का समय हो गया है और एक तरह से ये शादी लड़की के घर पर संपन्न हो गई है और आगे की रस्में अब लड़के के घर पर पूरी होंगी। लड़की वाले यहाँ से कल सुबह लड़के के घर पहुँचेंगे, वहाँ पर सुअर और बकरे की बलि के साथ दावत होगी और इस तरह से ये शादी संपन्न होगी। लेकिन फिलहाल मैं भी भारत की पूरी टीम को अंतागढ़ से अनुमति दें, जल्दी ही मैं भी भारत के एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। कुल मिलाकर गौंड समाज की शादी ब्याह में शामिल होकर यह एहसास होता है कि इन लोगों की सामाजिक धार्मिक अवधारणाएं और आर्थिक गतिविधियां प्रकृति और जंगल के साथ अभी भी बंधी हुई हैं।